हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ब्लॉग। ब्लॉग में कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन हमसे जितना भी बन पाया हम आपके लिए कैप्चर करके लाए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप सबके मन में एक ख्याल होगा कि बानू की तबीयत कैसी है। तो काफ़ी सुधार हो गया है बानू को और आज खेल भी रही है, तो शायद कल तक उसको छुट्टी मिल जाएगी। हमने आज सुबह भी डॉक्टर को चेक करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी हद तक इसको आराम मिल गया है और एक दो बार आप इसको स्टीम देंगे तो फिर इसकी छाती भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अभी अभी मैं आई हूँ हॉस्पिटल से, टाइम बच गए हैं 7, तो अभी मैं आपके लिए ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो जो ब्लॉग में जो जो मैंने कैप्चर करके लाया है, तो बाकी तो हम आपके लिए क्या कैप्चर करके लाए, यही हॉस्पिटल और जो जो बानू के साथ स्थितियाँ गुजर रही हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है सरकाघाट का हॉस्पिटल और यहाँ पे अचानक मुझे मेरी फ्रेंड फिर से मिल गई। तो इसकी भी बेटी बीमार है, पहले इसकी बेटी को भी बुखार थी और फिर शायद आज इसकी बेटी को फिर से टाइफाइड हो गया। तो ऐसा डर लगता है कि कब जाने क्या हो जाए, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने हमें ये भी कहा था कि आप मांडव हॉस्पिटल में बानू को दिखा लीजिए। तो अब अभी तो इसकी हालत बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि नेक्स्ट बार ये बीमार हो और हमें वहाँ जाने की भी ज़रूरत पड़े, ये ठीक हो जाए। तो देख लीजिए, एक झलक मैं आपको बानू की भी दिखा देती हूँ। तो अभी अभी मैं आ गई हूँ इसको स्टीम दिलवाकर। तो ये शाम का टाइम था और डॉक्टर ने कहा था कि आज इसको दिन में 3 बार ही देना। तो बेचारी थोड़ा सा, ये देख लीजिए, इसको ग्लूकोज भी लगा हुआ था, इसने दूध वगैरह भी नहीं पिया और फिर इसको कुछ रिएक्शन वगैरह भी हो गया था। तो बहुत ही ज़्यादा इसकी हालत ख़राब रही, ये 7-8 दिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरे थे। तो कई कई बच्चे स्टीम लेने से भी डरते हैं, तो हमारी बानू बिटिया भी कभी कभी डर जाती थी और कभी कभी अच्छे से लेती थी, और आज तो इसने बहुत ही अच्छे से ली। तो ये देख लीजिए, हर जगह बच्चे ही बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। बानू को हमने सुबह स्टीम दिलवाई, उसके बाद उसको 2-3 घंटे के बाद स्टीम देनी थी। तो पतिदेव ने कहा कि तब तक दीदी के घर ही चले जाते हैं, तो हम लोग फिर यहाँ पे थोड़ी सी देर रहे और उसके बाद हम लोग फिर से चले गए। और मेन कारण ये भी था कि लाइट भी नहीं थी और बानू को स्टीम हम लोग नहीं दे पाए। फिर जब लाइट आई तो हम लोगों ने देखा कि अभी लाइट आ गई है, तो फिर इसको फिर से हम हॉस्पिटल लेके गए। तो थोड़ा सा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया और उसके बाद हम लोग फिर से चले गए थे हॉस्पिटल, और हम शाम के ही वक्त अपने घर आए हुए थे। तो यानी मायके में ही मैं रह रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ से हॉस्पिटल बिल्कुल नज़दीक है। तो ये क्लिप है आज का, और टाइम लगभग 6:30 बजे हुए थी, तो बानू को स्टीम देने का टाइम हो गया था, तो हम जल्दी जल्दी में आ गए थे और हमने यहाँ पे इसको स्टीम वगैरह दी। तो कल तक शायद बानू को छुट्टी भी हो जाएगी, एक बार हम सुबह इसको डॉक्टर के पास दिखा देंगे। और
तो ये देख लीजिए, अभी हम आ गए हैं स्टीम वगैरह दिलवा के, तो कपड़े भी हमने चेंज कर लिए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए बानू को, बानू भी हो गई बिल्कुल ठीक। यहाँ पे बात करो, तो ये देख लीजिए बानू के पापा ने इसके लिए टोपी लाई है, बहुत अच्छी। हेलो, तो अभी इसके रेसेस वगैरह बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आज इसको काफी आराम है और काफी ज्यादा बातें भी कर रही है। और यहाँ पे दो मामा, आज इसकी हालत बिल्कुल ठीक है। तो कल इसको कैनोला वगैरह लगा हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे बेचारी ने बहुत ही ज्यादा कष्ट झेले। और साथ में इसको काले रंग की चूड़ियां भी पहना दी है कि हमारे बानू को नजर ना लगे किसी की, क्योंकि कहते हैं कि हाथों पैरों में काले धागे वगैरह लगाओ, हमारे सब्सक्राइबर ने बोला था। तो अभी ये बिल्कुल थोड़ा सा ठीक हो गई है, आराम है, इसको दूध भी पी दी है। तो देखिए, बाकी आप लोगों ने हमें एक बहुत अच्छी सजेशन दी हुई थी कि जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट तो चला ही हुआ है आपकी बेटी का, और साथ के साथ आप लोगों ने बोला हुआ था कि नज़र उतारा कीजिए इसकी डेली बेसिस के ऊपर। तो हाँ, हम जितने दिन बाणी की हमने तकरीबन 4 या 5 दिन तक कंटिन्यूसली मतलब नज़र उतारी है, और अब मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ किस तरह से नज़र उतारी है, आप लोग खुद समझदार हो, हर एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 5 दिन थे हमारे, बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस हमने मतलब लिया इन 5 दिनों में, तो अब क्या बोल सकते हैं। बाकी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया हमें, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने हमें अच्छे अच्छे सजेशन भी बताए कि इस डॉक्टर के पास चाहिए, उस डॉक्टर के पास चाहिए, तो अच्छा लगता है कि आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, 7:30 बज रहे हैं, और मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी हमने बताया हुआ था कि जो मेरा ससुराल है, इन्होंने लगाया हुआ है अपनी ऊपर वाली बिल्डिंग का काम, तो यहाँ पर भी बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4 कमरे बन रहे हैं ऊपर भी। तो अभी तो आधा ही कम्प्लीट हुआ है, इस साइड में ये जो पिलर वगैरह हैं, दीवार है, ये भी अभी काम इनका शुरू होने वाला है। तो यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों को अपने ससुराल के मकान वगैरह भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आए हुए थे, और रिसेंटली मैंने पढ़े 2-3 कमेंट आप लोगों ने पूछा हुआ था कि आप लोगों ने अच्छे से हर एक मेंबर के साथ हमें मिलवाया नहीं है। तो देखिए, आज तो मैं सॉरी फील करता हूँ, आज नहीं मिल पापा उनका, क्योंकि अभी घर में है भी कोई नहीं, वो गए हुए एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए, और जब पूरे के पूरे वो एक साथ होंगे तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगा और मिलवाऊँगा हर एक सिंगल मेंबर से। वैसे ऑलरेडी हमने मिलवाया भी हुआ है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे प्रीवियस ब्लॉग को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो बाणी के बीमार होने पर मैंने एक चीज़ तो लर्न कर ली लाइफ में कि देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मतलब आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से मतलब करनी पड़ती है, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा आदमी है वो तो सर्वाइव कर लेता है हर एक चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊँ, तो जब भी हमारे सर में दर्द होता है, जुकाम होता है हमें, तो हम उतनी परवाह नहीं मारते, और नेचुरली मतलब 2-3 दिन के बाद मतलब ठीक भी हो जाते हैं हम, इवन हम दवाई भी ना खाएं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनका बिल्कुल टोटली चेंज होता है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो छोटी से छोटी चीज़ को झेल पाए, और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान भी हुए हम इन ये जो चला हुआ था पानी का बुखार वगैरह। और मैं अपने चैनल के थ्रू बस ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अभी मौसम भी उतना ठीक नहीं है, और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो उनकी सच्ची में बहुत ज़्यादा केयर करें, वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है ये, क्योंकि हम जब हॉस्पिटल में रहे तो मैं डेली देखता था यहाँ पर, और पिछले से पिछले कल की बात बताऊं आप लोगों को, तो तकरीबन 150 बच्चे एक साथ में एडमिट हुए हैं यहाँ पे सरकार घाट के हॉस्पिटल में। और एक और बात कहना चाहता हूँ मैं कि आप जो मेरा एक्सपीरियंस हमने लिया, तो आप मतलब छोटा बच्चा है तो उसका इलाज एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में जाए डायरेक्टली। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लें और फिर बाद में आपको आपके डॉक्टर ऐसा बोले कि अब आप आगे के लिए स्विच हो सकते हो बड़े हॉस्पिटल के लिए, तो खड़े पैर मतलब ये चीज़ें सामने आए तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और एक गुस्सा भी आता है कि बच्चे ने इतने दिन तक इस तरह से दर्द सहन किया, झेला, फिर भी रिकवरी रेट में मतलब उतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आए, तो गुस्सा आना तो जायज़ सी बात है। तो आज का ब्लॉग लेट होने वाला है, और
ब्लॉग तो मैं खैर क्या ही कहूँ, और इच्छा भी नहीं होती थी सच्चे में आप लोगों को बताऊँ, लेकिन आप लोग भी इंतज़ार करते हो और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को भी अपडेट करना। मैं ओनली फॉर अपडेट के लिए बनाता था, और मेरा कोई भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा इन ब्लॉगों को आगे लाइक करें, शेयर करें। बस मेरा बच्चा बीमार था और आप लोगों को थोड़ा सा मैं अपडेट करता आ रहा था, क्योंकि एक परिवार है उसके साथ हर चीज़ की अपडेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी मैं समझता हूँ। बाकी मैं खुद बीमार हो गया हूँ, जुकाम लग गया है और गले में बहुत ज़्यादा दर्द है और बुखार आया हुआ था मेरे को, और अभी मैंने एक डोज भी ले लिया है दवाई का, तो देखते हैं अगर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर नहीं हुआ तो मैं हॉस्पिटल चला जाऊँगा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।